लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी और उनके जितने भी सारे स्टाफ मेंबर्स हैं और कंट्रोल इंस्पेक्टर SI वेंकटेश्वरलू और कई लोग मिलके एक अच्छा केस डिटेक्ट करें। इसमें इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर और टीम ये जो जे श्रीराम एजेंसीज बापूनगर लंगर हाउस में है उस पर सर्च कर रेड करके सर्च करने के बाद उसमें इतना 1,15,000 करीब का मटेरियल बरामद हुआ। पूरा हल्दीराम के एक्सपायर्ड मटेरियल है। इसमें 17 वैरायटी के इसमें ईटिंग आइटम्स है, मतलब सोन पापड़ी से लेके पूरे जूसेस, फ्रूट जूसेस है, इसमें मिल्क बादाम इस तरह के कई आइटम्स है, 17 आइटम। ये सब 17 आइटम एक्सपायरी डेट होने के बाद ये जो लक्ष्मी नारायण का नाम का आदमी है जो 10 साल से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूटर है ये प्रोडक्ट्स के, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के, ये आदमी मतलब अभी तो वेरीफाई करना है, कई दुकानों से इकट्ठा करके ये एक्सपायर्ड माल पूरा उस पर जो डेट है उसको, ये ऐसा जो कंपनी का एक्सपायरी डेट है ये एक्सपायरी डेट अरेज करके ये एकदम ऐसा क्लीन करके उसको वो केमिकल से मैक्सी क्लीन थिनर एक केमिकल से क्लीन करके उसमें उसके ऊपर फिर एक नया डेट मतलब 18/2018, 19 और 20 में जितने भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है वो पूरे इकट्ठा करके उसमें जो कंपनी का, उसके बाद इसमें पूरा फंगस इस तरह के पूरे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आइटम्स है ये, मतलब बच्चे और कोई बड़े लोग इसमें अगर से खाने के बाद हो तो ज़रूर बीमारी होगा उनको, कई नहीं बोल सकते क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर से ज़्यादा हुआ तो खतरनाक भी हो सकता, आदमी मर भी सकता। तो इस तरह के मतलब जो भी आदमी करता ये हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये लक्ष्मीनारायण को आज अरेस्ट करके रिमांड को भेजा रहे हैं। लक्ष्मीनारायण सब डीलर है, हाँ ये अब मालूम हुआ अकेला, अभी इन्फॉर्मेशन अभी निकालेंगे तो नहीं मालूम कितने लोग और कर रहे हैं इस तरह के। कब से कर रहा है ये? 10 साल से तो सब डीलर है ये, अभी तो मिला तो अभी ना, ये तो बोल रहा है कि अभी कर रहा हूँ लेकिन पहले भी कर चुका होगा जरूर, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया होगा मार्केट में। कौन से शॉप्स पे माल सप्लाई कर, अभी वेरीफाई कर, वो अभी वेरीफाई कर, अभी वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो दुकानदार है, दुकान का मालिक है, वो कई एक्सपायर होने के बाद भी इस तरह के प्रोडक्ट है इस तरह के लोगों को बेच रहे लग रहा हो, तो इस तरह के लोग पूरा इकट्ठा करके फिर ये बदमाशी कर रहे हैं लोग, ये क्राइम है, सरासर क्राइम है क्योंकि हेल्थ इसमें पूरा लोगों का इफेक्ट होता। तो इसमें दुकानदारों का भी हमारा यही राय है कि अगर से प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद ये किसी के हाथ नहीं देना, वो खुद डिस्ट्रॉय करना एक्सपायर होने के बाद, यानी तो कंपनी हल्दीराम है कंपनी को वापस करना, वो लोग पूरा इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करते, लेकिन इस तरह मार्केट में बेच के इसके पैसा पागर से बनाने की